प्रैंक किया है, अब कटाई खाएंगे। पर मस्ट वॉच मूवी थी, सो पहले गया मेरे को, बस एक्टिंग छोड़ के सब कर रहे हैं। एक्टिंग छोड़ के सब कुछ ही कर रहे हैं भाई। गाइस इसने मुझे बहुत मारा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो यार आज घर में चल रही है पूजा की तैयारियां भाई, लगे हुए सारे के सारे। छोटू डॉन, ये यार तेरा ना ये पोशाक बहुत अच्छी है भाई, ये वाली। ये खाना बनाते हुए मुझे तो लगता था कि ये बर्तन धोते हुए होता है। अरे आटा भी आता है ना, क्यों आपने मास्टर शेफ को नहीं देखा? अच्छा ये खाना बनाते हुए भी पहनते हैं क्या? कपड़े गंदे हो जाते हैं ना। अगेन माय मिस्टेक गाइस, मुझे लगा था कि ये सिर्फ बर्तन धोते हुए यूज करते हैं, पर ठीक है रूपाली ने नहीं पहना। उसके लगता नहीं होगा ना, मेरे लगता है। हाँ, ये एक सगवार होता है जो कि तुझ में नहीं है, रूपाली में सगवार है। तो आप क्या मास्टर शेफ को वो बोल रहे हो? टीवी में शेफ होते हैं, वो भी तो पहनते हैं एप्रन। अच्छा तो मैं क्या मास्टर शेफ को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ? नहीं करा भाई, नहीं करा। अच्छा तो फिर क्या 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 तैयारियां चल रही हैं? मास्टर शेफ पहनते और हलवाई नहीं पहनते। हलवाई नहीं पहनते। अच्छा सही बात है, ये भी सही है। मास्टर शेफ सोम छोटू डॉन और हलवाई रूपाली द डॉन और मम्मी, मम्मी तो गाइड करती है इन्हें, मम्मी इंस्ट्रक्शंस देती है कि चलो भाई ऐसे ऐसे करो, बढ़िया हो गया। मम्मी की साड़ी खतरनाक है माँ, मेरे को ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बचपन की फोटो में है ऐसे रंग की। हाँ ऐसे रंग की, ये नमी है रे। अच्छा नमी है। एक मेरी फोटो है बचपन की जिसमें मैं इतना सा हूँ, टोपी सी पाई हुई है लाल रंग की, मम्मी ने ऐसी साड़ी डाली हुई है ना माँ। कलर है ऐसे ही मैरून सा। नाइस, अच्छा लग रहा है। आज यार वीडियो में फिर सबकी सिर्फ पीठ आ रही है भाई। सब पीछे से रिप्लाई दे रहे हैं। नहीं नहीं इसका मतलब किचन में वीडियो बनानी है ना, तो अब हमारे को चेंज करना पड़ेगा। चाचा जी भी आए हुए हैं, धोती वगैरह पहन के चाचा भी रेडी, और पापा भी कुर्ते पजामे में रेडी। ये हो गया, और कोई चीज? बस ये देखो भाई, मैं 15 मिनट के बाद आ रहा हूँ। ये फिर सेम उसी पोजीशन में खड़े हुए हैं सारे के सारे। मम्मी पहले भी यहीं पे खड़ी थी, वैसी खड़ी हुई है। और मतलब कि जो भी काम करना था कर लिया, पर किचन से छुटकारा नहीं मिला अभी। जल्दी चलो, पूजा शुरू हो गई। पापा ने फिर आवाजें मारनी शुरू कर दी है, जल्दी आ जाओ। अपने बिजी पर्सन को भी बोल देते हैं, ओए जल्दी चल, पूजा शुरू हो चुकी है, आ जाओ जल्दी चलो। ओके चाची भी आ गई भाई, चाची की नाक भरी है, जुकाम हो गया, खत्म आसान तो है ठंडा की। सो भाई अभी टाइम बज रहा है 10, वो भी रात के, और हमारा भाई फुल ऑन रेडी है। कहाँ जा रहा है वो बता दे भाई, कहाँ जा रहा है? हम जा रहे हैं थाईलैंड, इंडिया से बाहर जा रहा है हमारा भाई। मजे करने जा रहा हूँ, मजे करने जा रहा पूरा। चल भाई चल, ठीक है फोन वोन करता रहिए और फोटो में भेजता रहिए, रोज की कम से कम 100 रील्स होनी चाहिए, ठीक है? 100 वीडियोस दे दूंगा, ठीक है बाबा। अच्छा हाथ मिलाता है क्या? चल ठीक है भाई, मार मौजे, रोज की फोटो भेजता रहिए कच्चे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा छोटा भाई यानी कि रोनी वो गया हुआ है बाहर ले देश घूमने, तो उसी चक्कर में थाईलैंड। यार मैं नाम नहीं बता रहा, सारा साला नाम तो बता दे, वो गया हुआ गाइस थाईलैंड, थाईलैंड बैंकॉक और बैंकॉक। अच्छा बैंकॉक भी गया? वही उस अंदर की सिटी है थाईलैंड की। अच्छा आसपास ही होगा, चलो अपने को क्या लेने देना। तो इस बंदे के बजी चुल क्या था, बहुत तगड़ी मूवी लगी है, मैं तो मिस नहीं कर सकता। हाँ साउथ की है ना? हाँ साउथ की है, मैं क्रिश की, क्रिश की नाम है, जूनियर एंटिया। एक मूवी आई थी जिसमें उसका नाम क्रिश था, दसला लेके घूमता था, जिसमें वो ना नरसिंह भगवान का होता है जो हथियार, कुल्हाड़ी होती क्या होता है वो, नरसिंह भगवान का दसला टाइप होता है, गढ़वाली में दसला बोलते हैं। तो कहता चलना है, फिर मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, पर किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जिस चक्कर में
मूवी के लिए तो हम लेट हो चुके हैं क्योंकि रूपाली और सौम्या अभी अभी छत पे गए हैं सैर करने। तो हमने कहा जितनी देर वो छत पे गए भाई उसे बहुत स्कीम में पा के मैंने छत पे भेजा है कि चलो सैर करने का टाइम हो गया कुछ भी। अब जैसी वो छत पे गई ये आ गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं, पता नहीं लगना चाहिए दोनों को अदरवाइज उन्होंने रोड़ा पा देना है। पहुंच गए यार हम भी, पर बहुत दिनों के बाद आया हूँ यार यहाँ पे। कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद? बड़े दिनों बाद ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये क्या बन गया भाई पार्किंग में पूरा? पहले कंस्ट्रक्शन पे था, ये खंभे खंभे से लगे हुए थे शायद बैटरीज के लिए, वो ईवी वाली ना। हाँ, पर पहले सिर्फ फाउंडेशन थी ये खंभे खंभे वो पेडेस्टल जिन्हें बोलते हैं, अब तो भाई पूरा ही बन गया। शेड वगैरह सब लगी है रनिंग पे अब। जल्दी निकलते हैं भाई। कीड़े पहले बता दो तेरे को एक्सपेक्टेशंस क्या है मूवी से? बहुत तगड़ी एक्सपेक्टेशन है, साउथ की है भाई। वो दथला लेके भागेगा इस बार भी। वो इस बार कोई छुन क्यों नहीं भी? 20 में बात होती है भाई यहाँ, वो तो एफआर में नहीं होती। तूने बस ट्रेलर मिस कराया जो। वो अभी शिकारी कैसी लगी फिर मूवी? भाई मूवी गजब, मजा आया। मजा आया, मैं बोर नहीं हुआ। ये बोर नहीं हुआ और मैं कम से कम, मैं तो महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद आ रहा हूँ। मैं भी डेढ़ महीने के बाद ही आ रहा हूँ। तू कहाँ, तू तो अभी आया था बीच में भाई, तू तो कोई मूवी देख के गया इनफैक्ट। अच्छा रॉनी के साथ? बैड न्यूज़ रॉनी और मैं आए थे। बैड न्यूज़ गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ पता नहीं जो भी है। अच्छा वो किसकी थी वो बैड न्यूज़? वो विक्की कौशल। अच्छा विक्की वाली देख रहा है एमी विक। पर भाई जो आज की मूवी है ना गजब सी यार, मतलब एक क्या नाम है इस हीरो का, एनटीआर ना, इधर से चलते ना, इधर से चलते। क्या नाम है इस हीरो का? जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर है ना। तो साउथ में हर किसी ने एक एक सीरीज निकाल दी, मेरे हिसाब सीरीज ही बोलूंगा मैं तो इन्हें है? और एक एक हिट मूवी दी गई थी जैसे बाहुबली, फिर पुष्पा, केजीएफ, केजीएफ 2, सलार, ऐसी सीरीज निकाली जाए। और अभी इसकी और एक और भी तो आई थी ट्रिपल आर। तो हर कोई बोल रहा है कि भाई हमें एक हिट मूवी देनी है ताकि हम, हमारी इमेज एक अलग ही हो, बाहुबली वाली की अलग। ये तो वैसे तो है ही ग्लोबल, मतलब अपने वहां के तो है ही स्टार्स हैं, बट ये पैन इंडिया, इन्होंने पूरी पूरी वो पैन इंडिया वाली दी है कि सुपरस्टार वाली पैन। तो भाई ये भी, ये वाली मूवी भी चलो ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, पर ये वाली तगड़ी तो है, एकदम मस्त है। पर सीरीज आएगी भाई और सस्पेंस है। अच्छा हाँ, देवरा पार्ट वन, इतना भी तो बता रहे हैं, इतना तो बता ही सकते हैं। और इतना ये भी बताए थे चल कि सस्पेंस एंड में टूटेगा। और फिर थिएटर में बिना ट्रेलर ट्रूलर देखे जाओ, सब कुछ देखे जाओ, वही देखो, वही अपना सस्पेंस तोड़ कर आओ, मजे मजे लो, पूरे के पूरे मजे लो भाई। पर बहुत अच्छी मूवी थी यार, बहुत। एक ही चीज भी कि हमारे शागिर्द नहीं आए हमारे साथ, उसकी उसकी कॉल आई। तुम्हें पता क्या कहती? हेलो चरमियादी, मुझे बताया नहीं। मैंने कहा यार मेरे को कॉल आई, अंकी कहता है यार नीचे आई हो गाड़ी में से कुछ सामान निकालना है, और अंकी मेरे को ले गया। मैं यही बोल रहा था और क्या बोलूं, कहती मेरे को बताया भी नहीं है, मेरे को भी मूवी देखनी थी। मैंने इसको कहा था कि दोपहर को चलते हैं। हाँ तो शाम को ठीक रहता है यार, ये लेट था शो यार, कहाँ ऑफिस था ना एक तो यार। अगर दोपहर ही जाते ना तो ले आते, मजा आता। आज हमने प्रैंक किया है, अब कटाई खाएंगे। पर मस्ट वॉच मूवी थी, सोऊं पहले गया मेरे को। मस्ट वॉच मूवी थी भाई, मस्ट वॉच मूवी, देखो देखो, मस्ट करो, वॉच करो, सही बात है। अब जाते ही सोमू हमारे को चौक स्लैम मारेगी, भाभी बोलेगी यूं बैठी आएगी, ए मेरे को नहीं तेरे को मारेगी सबसे पहले, या तो तेरा नाम लगा के चले गया ना। मैंने इससे इससे बढ़िया बता ले नहीं था, मैं कह रहा था अरे मेरे को कॉल आई पीछे से, कहो जैसे तूने रूपाल को बताया था, उसे भी नहीं बताया था? नहीं, इसको मैंने बोला था, बोल दिया था। हाँ, पर तो चल ये शायद बता गया था, मुझे लगा इसने रूपाल को भी नहीं बताया, नहीं, नहीं, वो बता दिया था। और चुपचाप निकले क्योंकि अगर बताते तो इन्होंने भी फोर्स करना था, हम भी आ रहे हम भी आ रहे, पर अभी खाना खाने का टाइम था, फिर हमारे को डांट पड़ती। रोनी की कॉल आई, वो भी थाईलैंड पहुंच गया। ओए रोनी भी थाईलैंड पहुंच गया, फोन कर रहा है थाईलैंड, वो फॉरन गया गाइस। मैं पता है क्या, वो 5-5.5 घंटे लगे फ्लाइट में, तो वहां से लैंड करने के बाद कहता थक गया, मैंने कहा चल अब तो पहुंच गया। कहता यार अभी क्या बारी है, 1.5 घंटा दूर है। तेरी मैंने कहा यार 11 बजे, कितने बजे की थी उसकी फ्लाइट? उसकी फ्लाइट थी 11 की। 11 बजे घर पहुंचे कितने बजे? वो पहुंचा 5-5 बजे, 4:30 बजे पहुंचा। तो ठीक है, मतलब वो फन कर रहा है, अब वो आने वाले 4-5 दिन बहुत फन करेगा और हमें चिढ़ाएगा। हम भी जाते हैं, जिसे पहले पुलिस वाले पकड़ ले, मैं बेल्ट लगा लूं, आगे लग रहा है, लगा लिया गाइस बेल्ट भी, नहीं पुलिस वाले थे ही नहीं तो गाइस बेल्ट उतार ली। एक चीज मैं तुम्हें वैसे बता सकता हूँ, बीच में जो म्यूजिक है ना वो सही है, बीच में विक्रम जैसा मूवी है,
वो गैस मैंने किया था अंकित, मैं हैरान, मैंने कहा यार ये म्यूजिक बज रहा है मेरे कानों में, कौन सा म्यूजिक है कौन सा म्यूजिक है, एकदम से इन्होंने बोलिया विक्रम, मैंने कहा यार जब वो मारता बाइक में वो वाला म्यूजिक, जब वो ये जैसे म्यूजिक वहीं पे दे रहे हैं जब वो अपने सस्पेंस तोड़ रहे हैं, उसने भी जब अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी ना तभी बजा था ये वाला म्यूजिक, बड़ा सही था पर मजेदार था, मुझे अच्छा लगा म्यूजिक भी अनिरुद्ध ने दिया तो अच्छा दिया, तभी मैं सीरियस साउथ की मूवीज देखना प्रेफर करता हूँ, साउथ वाले अच्छी बनाते हैं भाई, अच्छी बनाते हैं दूसरे नंबर पे, अगर हॉलीवुड इतना पैसा लगाता है उसके बाद यही मुझे लग रहा है साउथ वाले लगा रहे हैं पैसा, पैसा तो बॉलीवुड वाले लगा रहे हैं पर ये कुछ बना नहीं रहे, बना नहीं रहे, अरे बॉलीवुड वालों के पास काम बहुत है यार, मूवी को छोड़ के और भी छत्ती चीजें करते हैं, यहाँ की ब्रांडिंग वहाँ की ब्रांडिंग, कभी क्रिकेट खेल लिया कभी कुछ कर लिया, ये वाले सिर्फ अपनी नौकरी पे ध्यान दे रहे हैं, ये नौकरी है इनकी, मूवी बनाओ ये नौकरी है पूरी भाई, एक्टिंग करनी है हमें उसी पे ध्यान, उसी पे ध्यान है, और ये कोई शोज कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, सारा पैसा तो घुमा फिरा के हर जगह के ये अपनी जेब में ही डाल रहे हैं बॉलीवुड वाले, तो भाई बस एक्टिंग छोड़ के सब कर रहे हैं, एक्टिंग छोड़ के सब कुछ ही कर रहे हैं भाई, हर जगह एक्टिंग सब हर जगह सब, पर चलो सबका अपना अपना काम, अपना क्या ही बोल सकते हैं, घर तो पहुंच गए अब देखते हैं छोटू क्या बोलेगा, धोखेबाज है मुझे झूठ बोल के बिना बताए मुझे छत पे भेजा, अरे भाई कीड़े की कॉल आई उसने मुझे बोला नीचे से सामान निकाल रहा है, ये कसम सही से यही बोला भाई, और मैं नीचे जाके बैठा वो ले गया मुझे, निकल जाओ खाना नहीं मिलेगा, खा के आए होगे आप, तो बनाया नहीं था आपके लिए खाना, ठीक है चलो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अब मुझे खाना तो ये देगी नहीं, खाना मैंने बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया, नहीं बनाया मैंने खाना, मुझे पता ही नहीं था आप कहाँ गए, मुझे थोड़ी बता गए हम खा के आए, गाइस इन्हें तो बताएंगे नहीं, हम तो खा के आए, ये जो खाना बनाया वो नहीं आया था खा के फंस गई, चल खड़ी हो चल खाना दे चल, नहीं आप तो खा के आए, चल चल जल्दी अब खा के आए हो आप, यार ड्रामे नहीं करते, अच्छी पत्नी बनके अच्छी पत्नी बनके चल जल्दी खाना दे, अच्छी पत्नी बनो चलो, अंकित भी आ गया, अंकित को भी चाहिए, चल मुझे नहीं दे रहे अंकित को दे दे, जा अंकित तुम खा के आए हो ना, चल अंकित को दे दे चल खड़े उठ, बच के रहो मुझसे, बच के रहियो, और गाइस इसने मुझे बहुत मारा, अब बीच में मैंने दिखाया नहीं तुम्हारे को, मारा होता ना मैंने आपको तो आप ऐसे नहीं होते, और वो देखो वो भी शांति से खा रहा है, उसे भी बहुत मारा इसने, अपने आप ही ले लो, दे ही नहीं रही हमें, वो देख बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है वही तो, हाँ गाइस मैं तुम्हारे को वीडियो दिखाता पर वो क्लिप्स दिखाने लायक नहीं है, इसने क्या किया हमारे साथ तो इसलिए वो तो नहीं डालूंगा, बट बता देता हूँ तुम्हारे को, कैमरा लेके मेरे आगे बताओ अभी बताऊंगी आपको।